Some parts of this video might be muted due to copyright claim. Hi guys, my name is Tahir Farooq and my name is Sabi Sohail. So guys, आज एक बहुत different video है. भी different नहीं, हमने पहले BTS पे react किया है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है, TXT and BTS. हमें BTS का पता है, लेकिन हमें TXT का नहीं पता, तो हमने सोचा कि BTS के साथ साथ हम TXT को भी react करते हैं और देखते हैं वो भी एक band ही होगा. और ये हमें एक requested video थी कि TXT की videos पे आप react करें, उनकी TikTok compilations पे. तो मैं react देख रहा था, लेकिन मुझे ज्यादातर BTS के साथ ना उनके कॉम्बोज मिल रहे थे और वो क्या बोलते हैं, कोलैबोरेशन वीडियोस मिल रही थी. तो मैंने कहा चलो कोलैबोरेशन में दायर हम ढूंढ रहे थे तो कोलैबोरेशन वीडियो मिली. सो वी थॉट कि चलो आज इन दोनों पे मिक्स रिएक्ट करते हैं. BTS को तो हम बहुत मिस करते हैं, लाइक हम चाहते थे कि एक दफा दोबारा से हमें कोई कमेंट करे कि आप उनके ऊपर सेपरेटली दोबारा रिएक्शन डालो, हिंदी का शब्द डालो, क्योंकि अभी हमने जितना भी रिएक्ट किया सब इंग्लिश थे, मतलब सब इंग्लिश टिकटॉक वीडियोज थी. हमें इसको ही हमें कहे कि आप प्लीज़ हिंदी पे भी रिएक्ट करो, तो हम हिंदी सीरीज पे लेके आए. तो अभी हमारी चल रही है ब्लैक पिंक की सीरीज, होप सो 3 से 4 दिन में वो सीरीज खत्म हो जाएंगी. फिर आप हमें कि न्यू मैं ये बैंड का बताएं या इन्हीं की किसी डिफरेंट वीडियोस का बताएं, ताकि हम उन पे रिएक्ट कर सकें. तो हमें कुक की जियो चैनल से, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम एंड प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट. BTS TikTok compilation. अच्छा यार, it was funny. ये तो TXT मान रहा है वो, है ना? हाँ. Cute, funny. And talented as well. हाँ, बड़ी मुश्किल से बनती है. But इसको copy करना बहुत मुश्किल होता है. He is a nice guy. बड़े अच्छे लग रहे थे ना, डिफरेंट लग रहे थे. वाइप वाइप चैलेंज. पेंसिल का शेड है ना बालों में. अच्छा, स्लो मूवमेंट है बाकी सामने. अच्छा लग रहा है, ये BTS के मेंबर है. इतनी मेहनत करती है वीडियो पे, कैमरा बंद करो फिर स्टार्ट करो फिर बंद करो. नहीं, ये इफेक्ट है. अच्छा लग रहा था, अच्छा ट्रांजिशन में डाला है, लेकिन मेहनत बहुत लगती है. मतलब ये बंदा बहुत मेहनती है वाकई में, बहुत टाइम लगाता है वीडियोस बना के एडिट करने में उनको, और बहुत फनी कंटेंट लेके आता है. BTS ऑफिशियल लाइक ये काम मुश्किल है. हाँ ना, हो ये बहुत मुश्किल चीज है. सफर ये चैलेंज मैंने भी किया था.
अपना कंटेंट बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन आसान तो वो भी नहीं होता, बट किसी को कॉपी करना वो भी पॉइंट टू पॉइंट बहुत डिफिकल्ट होता है। हाँ उनकी मूवमेंट बिल्कुल ऐसी है। सो आई थिंक मुझे तो बस वो एक मेंबर नजर आया उनके टीएक्सटी के, एक ही मेंबर नजर आया मुझे। बीटीएस के एक दो जगह ही मेंबर्स नजर आए थे और टीएक्सटी का भी एक, टीएक्सटी के ज्यादा एक ही मेंबर था, मतलब एक दो ही मेंबर्स थे जो आई गेस तीन मेंबर्स थे, वो एक वाइट वीडियो में तीनों इकट्ठे आए थे। हाँ। जिसमें वाइट ड्रेस में वो थोड़ी हॉरर टाइप वीडियो थी उसमें तीन थे, लेकिन TXT के वी डोंट नो अबाउट दैट बैंड और कोई ग्रुप है सर्टेन लोगों का या जो भी है, वी डोंट नो अबाउट दैट। वी होप सो कि आप उनके बारे में डिटेल कोई कमेंट देंगे, क्योंकि अब अक्सर हम कमेंट रीड करते रहते हैं, इतनी अच्छी तरह से आप हमें एक्सप्लेन कर रहे होते हैं उसको, लाइक वी रियली अप्रिशिएट दैट कि आप इतना अच्छा हमें एक्सप्लेन कर रहे होते हैं उनके बारे में, जितना हमें वीडियो से नीड नॉलेज मिलता। सो इनके बारे में आप जरूर कॉमेंट सेक्शन में बताइए, लेकिन है क्या ये, करते क्या है और ये वीडियो से मिले कैसे, जो भी इनका आपस में रिलेशन है, जैसे कैसे कोलैबोरेशन इनकी हुई, और जो वीडियोस मैं हमने देखी उनके मुताबिक तो मुझे बहुत फनी कंटेंट लगा। और हम आज तक जितनी वीडियोस पे रिएक्ट करते हैं वो थी एडिट्स थी सारी, ये एडिट नहीं थी, ये वीडियो थी, ये टिकटॉक्स थी, ये टिकटॉक्स थी और बहुत अच्छी थी। सो मुझे भी इतना खास मतलब वीडियोस मजे की थी, लेकिन मुझे खास मतलब एक मुझे समझ नहीं आया कि मतलब उनके नाम तो दूर की बात, मुझे समझ नहीं आया, मैं एक डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा था कि ये वही है या चेंज है, बिकॉज सब इतने सिमिलर लगते हैं। BTS का कुछ दो एक दो मेंबर्स ही थे हार्डली, लेकिन बाकी जो TXT के जो मैंने खास वही की लड़का बाबा रिपीट हो रहा था कुछ, मतलब एक वीडियो में वो तीन गए थे, तो मुझे उनकी कुछ मतलब देखी, मैंने पूरी देखी, समझ आ गई क्या कर रहे हैं वीडियो करने, पर वो है डिफरेंशिएट करना मुश्किल, मुझे समझ नहीं आया था। हमें चाहिए कि हम अगर आप हमें बोलेंगे तो हम इनकी प्रॉपर एक इंट्रो वीडियो लेके आएंगे, TXT है क्या और ये करते क्या और इनके मेंबर्स कितने हैं। जैसे BTS एक पॉप कल्चर बैंड है और उसके अलावा वो 7 मेंबर्स हैं, हम उनके नाम भी थोड़े बहुत याद हो गए, तो हम चाहते हैं कि अब TXT का भी हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह। सो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, और अब तक बहुत बहुत ख्याल रखिए, आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय, अल्लाह हाफिज़।